चलिए स्टीफन अभिक्रिया को देखते हैं। ये स्टीफन अभिक्रिया भी वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। चलिए इनको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनको ध्यान से आप लोग क्या करोगे सुनोगे। एल्केन नाइट्राइल का अपचयन, एल्केन नाइट्राइल का अपचयन, किनका अपचयन? एल्केन नाइट्राइल का अपचयन इनके साथ कराओगे, SnCl2 प्लस HCl से इनका आप क्या कराते हो, इनका आप क्या कराते हो, अपचयन कराते हो। यानी एल्केन नाइट्राइल का अपचयन SnCl2 प्लस HCl से आप कराते हो तो आपको क्या मिलता है, संगत एमीन मिलता है। क्या मिलता है? संगत एमीन। संगत एमीन किनको बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे। यानी आपको संगत एमीन मिलता है, कब मिलता है, जब आप एल्केन नाइट्राइल का अपचयन इनके साथ कराते हो तो संगत एमीन मिलता है। और इस संगत एमीन का आप क्या कराते हो, जल अपघटन कराते हो तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे ही स्टेपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, स्टेपन अभिक्रिया कोई हार्डली अभिक्रिया नहीं है। मेरी बात को अच्छी तरीका से आप लोग सुनोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एल्केन नाइट्राइल, ये आपका एल्केन नाइट्राइल है, इनका अपचयन इनके साथ आप कराते हो तो संगत एमीन मिलता है। इस संगत एमीन का आप जल अपघटन कराते हो तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, स्टीफन अभिक्रिया कहते हो। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोग समझ रहे हो एल्केन नाइट्राइल, तो नाइट्राइल CN, ठीक है, तो एल्केन नाइट्राइल तो एल्किल समूह तो होगा ही, तो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एल्केन नाइट्राइल का सिंबल हो गया। ठीक है, इनका अपचयन किनके साथ, SnCl2 प्लस HCl के साथ कराते हो तो अपचयन में तो आप लोग जानते हो हाइड्रोजन का क्या होता है, जुड़ना होता है। ठीक है, तो देखिए R सिंगल बॉन्ड, यहां पे एक H जुड़ जाएगा CH, ठीक है, यहां पे आपका डबल बॉन्ड हो गया और इस N के साथ आपका H जुटा और डॉट, यहां पे आपका डॉट HCl, यानी ये आपका HCl जुड़ गया। तो ये जो आपको जो प्राप्त हुआ है इसी को आप क्या बोलते हो, संगत एमीन बोलते हो। ठीक है, यानी HCl आकर के जुड़ा तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत एमीन बोलेंगे। देखिए आपने क्या करा, एल्केन नाइट्राइल को लिया, इनके इनके उपस्थिति में आपने एल्केन नाइट्राइल का अपचयन करा तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा, इस N के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, ये समूह आकर के यहाँ पे जुड़ गया, तो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH HCl, यही आपका संगत एमीन है। अब इस संगत एमीन का आपने क्या करा, जल अपघटन करा, यानी जल के साथ रिएक्शन करा। जब जल के साथ रिएक्शन करा तो देखिए ये R और CH और एक ये ऑक्सीजन इनके साथ आकर के जुड़ गया, तो देखिए R और CH और एक ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, यानी आपको एल्डिहाइड मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो एल्डिहाइड मिला, बचा क्या, जो बचा उसी को लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन दो बचा है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बचा है, यानी हाइड्रोजन चार, एक आपका नाइट्रोजन बचा है, एक Cl बचा है। तो देखिए एक N हमने लिखा, एक एक दो हाइड्रोजन, दो चार NH4 और एक Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड भी सह उत्पाद के रूप में आपका प्राप्त हुआ। तो देखिए आपने क्या करा, एल्केन नाइट्राइल को लिया, इनका आपने अपचयन SnCl2 प्लस HCl के साथ करा, तो अपचयन करा तो देखिए R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ, क्यों, क्योंकि H जो है दोनों में आकर के जुड़ गया, HH जुड़ा, जिनके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ और ये HCl समूह आकर के जुड़ गया, यानी आपको संगत एमीन मिला। इस संगत एमीन का आपने जल अपघटन करा तो देखिए जल अपघटन करा तो R और CHO यानी एल्डिहाइड बन गया, एक N, एक N, दो H, दो H चार और एक Cl यानी NH4Cl। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, रिएक्शन भी आपको याद हो गया, ये आपका एल्केन नाइट्राइल है, आपने CnCl2 प्लस HCl के साथ अपचयन करा, आपको संगत एमीन मिला, इस संगत एमीन का हमने क्या करा, अपचयन कर जल अपघटन करा तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। तो चलिए हम लोग समझते हैं इनको, कुछ नहीं करना है बाबू, आराम से समझेंगे। एल्केन नाइट्राइल का सिंबल आप लोग को पता है, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ये आपका क्या है, एल्केन नाइट्राइल है, इनका आप अपचयन कराओगे, इनकी उपस्थिति में SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में आपने अपचयन कराया, ये अपचयन का सिंबल हुआ। अपचयन मतलब होता है आप लोग जानते हो हाइड्रोजन का जुड़ना, तो R हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH हो गया, ठीक है, तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ इस N के साथ आपका H जुड़ा और ये HCl समूह आकर के जुड़ गया,
ठीक है, तो HCl ये आपका क्या प्राप्त हुआ, संगत एमीन प्राप्त हुआ। इस संगत एमीन का आप क्या करोगे, जल के साथ रिएक्शन कराओगे, यानी इनका जल अपघटन कराओगे। ठीक है, जब जल अपघटन कराओगे तो आपको पता है ये आपका बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH, ये ऑक्सीजन यहाँ पर के आके जुड़ गया तो RCHO हो गया। यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दो और दो चार और एक N, तो आपका प्लस N हो गया। N तो हमने लिखा दो हाइड्रोजन दो चार NH4 और ये Cl बचा है, यानी ये Cl भी आपका क्या हो गया, जुड़ गया। तो देखिए आपको NH4Cl यानी ये आपको अमोनियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ, मुख्य उत्पाद के रूप में आपका क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है नहीं। आपने एल्केन नाइट्राइल को लिया, इनका अपचयन इनकी उपस्थिति में करा तो आपको संगत एमीन मिला, इस संगत एमीन का आपने जल अपघटन करा, आपको एल्डिहाइड मिला। इसी को इस क्रिया या इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो, स्टीपन अभिक्रिया बोलते हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो R के जगह मान लेते हैं हमने CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N इनको लिया। चलिए तो हम R के जगह CH3 को लिया और C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एथेन नाइट्राइल, ये आपका क्या है, एथेन नाइट्राइल, ये आपका क्या है, एथेन नाइट्राइल, ये आपका एथेन नाइट्राइल है यानी एल्केन नाइट्राइल है, ये एल्केन नाइट्राइल का सिंबल। R के जगह हमने CH3 को लिया और इनका नाम क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल, यानी एल्केन नाइट्राइल ही है, ठीक है। लेकिन इनको आप क्या बोलोगे, एथेन नाइट्राइल बोलोगे, क्योंकि R तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे CH3 तो एक दो दो कार्बन को एथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एथेन, और ये आपका नाइट्राइल है तो एथेन नाइट्राइल। और चलिए इनका आप अपचयन करा दो, किनकी उपस्थिति में, SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन करा, ठीक है। जब इसका आपने अपचयन करा तो आपको क्या मिला, देखिए ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपका क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH हो गया और ये समूह आकर के HCl यहाँ पे जुड़ गया, तो देखिए आपको संगत एमीन मिला, ठीक है, क्या मिला, संगत। चलिए देखिए तो एथेन नाइट्राइल है, इनका आपने अपचयन करा तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया CH, जिनके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड इस N के साथ NH और ये HCl समूह आकर के जुड़ गया, यही आपका क्या है, संगत एमीन है। इस संगत एमीन का नाम क्या है, एसीटैल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, ये हो गया आपका एसीटैल्डिमीन, ये हो गया हाइड्रोक्लोराइड, इस संगत एमीन का नाम हुआ। आप इस संगत एमीन का आप क्या कराओगे, जल अपघटन कराओगे, यानी जल के साथ रिएक्शन कराओगे। चलिए इनका जल अपघटन कराते हैं तो आपको पता है ये ऑक्सीजन यहाँ इन इस इसके साथ जुड़ गया, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, यानी यहाँ ये CH3CH, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके आपका क्या हो गया, जुड़ गया, तो आपका क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। बचा क्या आपका, जो बच गया वो उनको लिख दो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बचा, दो दो चार हाइड्रोजन और एक N, तो NH4 और ये आपका Cl बचा, यानी Cl जुड़ गया, यानी अमोनियम क्लोराइड आपको सह उत्पाद के रूप में मिला, ये आपका एसीटल्डिहाइड, ये आपका क्या है, एसीटल्डिहाइड है, यानी आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना, आप कोई भी आप यहाँ पे एल्केन नाइट्राइल को लोगे, कोई भी एल्केन नाइट, एथेन नाइट्राइल क्या है, एल्केन नाइट्राइल का ही सदस्य है, तो कोई भी आप कोई भी यहाँ पे एल्केन नाइट्राइल को लोगे, इनकी उपस्थिति में अपचयन कराओगे तो आप याद रखना आपको संगत एमीन ही मिलेगा, ठीक है। तो संगत एमीन मिला, आप इस संगत एमीन का कुछ नहीं करना, जल अपघटन करा देना तो याद रखना आपको मुख्य उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। चलिए एक बार इनको और समझा देते हैं हम। चलिए देखिए एल्केन नाइट्राइल का अपचयन, यानी एल्केन नाइट्राइल का आप अपचयन कराओगे, इनकी उपस्थिति में SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में आप कराओगे तो याद रखना आपको संगत एमीन मिलेगा, ठीक है। एल्केन नाइट्राइल का अपचयन होगा और फिर जाकर के ये HCl समूह जुड़ जाएगा, अर्थात आप उनको संगत एमीन बोलोगे। उस संगत एमीन का आप कुछ नहीं करना, जल अपघटन करना, उत्पाद में देखना आपको एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को ही स्टेपन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है एल्केन नाइट्राइल है, इनकी उपस्थिति में अपचयन करा, देखिए हाइड्रोजन जुड़ गया और ये समूह आकर के यहाँ पे जुड़ गया, यानी एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, ये आपका संगत एमीन है, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, ये संगत एमीन है, ठीक है। तो इनका आपने जल अपघटन करा तो देखिए आपको R सिंगल बॉन्ड CHO और ये NH4Cl सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ, मुख्य उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड। एग्जांपल देख लीजिए, R के जगह CH3 को लिया और ये आपका नाइट्राइल समूह है जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एथेन नाइट्राइल हो गया, यानी एल्केन नाइट्राइल का ही सदस्य है, इनका अपचयन करा दो
अपचयन जब कराया किनकी उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में जब अपचयन हुआ तो यहाँ पे एच जुड़ा और एचसीएल समूह इनके साथ जुड़ करके संगत एमीन बना। इस संगत एमीन का नाम है एसिटाइल डीमीन हाइड्रोक्लोराइड। इनका अपचयन करोगे, इनका जल अपघटन कराओगे तो ये ऑक्सीजन इस यहाँ पे आकर के जुड़ा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, एसिटाइल डीहाइड बन गया। अब बचा क्या, जो बच गया यहाँ पे दो हाइड्रोजन बचा, दो हाइड्रोजन यहाँ बचा, एक एन बचा, तो एन एच फोर और ए सी एल यानी अमोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट आपका अभिक्रिया है। चलिए ठीक है, तो याद रखना स्टेपन अभिक्रिया किनको बोलते हैं, तो एल्केन नाइट्राइल का आप अपचयन करा देना किनकी उपस्थिति में, SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में संगत एमीन मिलेगा, उस संगत एमीन का जल अपघटन करा देना, एल्डिहाइड मिलेगा, इसी क्रिया को आप स्टीपन अभिक्रिया बोलते हो। आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, धन्यवाद।